नैचुरल खुदाई हुई थी जो जमीन च अपने आप मूर्ति इतों निकली सी उदों तो यह मानता दी शुरू मनी जा रही है। लगभग 8 फुट के करीब है ही 8-10 तो फुट टूर वगैरह चढ़ता उन्हें शिंगार होंगे रोज मंदिर जी पंडित जी सेवा करते हैं शिंगार होंगे सवेरे शाम दो टाइम आरती होंगी है। गल करते हैं असी विश्व के प्राचीन मंदिरों की जिदे विच एक यह मंदिर है हनुमान जी का। कुछ टाइम पहले इतने खुदाई की गई सी हनुमान जी की मूर्ति खुद बाहर निकली हुई सी। यह मंदिर की खासियत यह हैगी है कि मंगलवार के दिन इतने बहुत ज़्यादा भीड़ होंगी। तो एक गल होर इतने सारी जगह तुसी देखिया होना हनुमान जी की मूर्ति खड़ा होंदे हुए पर इतने हनुमान जी की जो मूर्ति है वह बैठी हुई है। आज इन्हों को पुछते हैं इतने का इतिहास की है। मेरा नाम हर्ष कुमार है जी। मंदिर बहुत प्राचीन है अपने नैचुरल खुदाई हुई थी जो जमीन च अपने आप मूर्ति इतों निकली सी उदों तो यह मानता दी शुरू मनी जा रही है। तो लोग इतने मंगलवार को बहुत इतने धार्म लगता प्रसाद अपनी मन मरादा पुगदियां लोगों की होंदियां और लोग अपनी मर्जी नाल जो भी श्रद्धा नाल प्रसाद चढ़ाते हैं और मानता बहुत है मंदिर की। कितने साल पुराना है मंदिर? मंदिर लगभग 100 साल हो गया लगभग सुन जाता पाया सानू भी नहीं पता पर सुन चाहता कि 100 साल पुराना मंदिर है। इतने प्रसाद की चढ़ता है? अपनी मर्जी है जी मोतीचूर लड्डू का बूंदी का भोग होता वैसे तो हनुमान जी को तो बाकी जो श्रद्धा ना अपनी मर्जी नाल कोई चढ़ा सकता मर्जी चढ़ा सकता। सर इतने मूर्ति आई किवें? अपने जमीन चो अपने आप स्यूबी प्रकट हुई है जी अपने आप ही खुदाई हुई सी इतने खुदाई चो अपने आप मूर्ति निकली हुई है। तो इतने तुसी देख सकते हो अज मंगलवार का दिन है तो श्रद्धालु अच्छे कितनी भीड़ हुई पई है। इतने की सारिया की मान्यता पूरिया होंदिया ने तो भीड़ कितनी ज़्यादा है। तो मूर्ति भी तुसी देख सकते हो कितनी वड्डी मूर्ति है जो कि हनुमान जी की है बैठी हुई है मूर्ति। तुसी हर जगह देखी होनी हनुमान जी खड़े हुए हमेशा नज़र आते हैं पर यह मूर्ति जो कि खुद प्रकट हुई सी 100 साल पुरानी मूर्ति की है। 100 साल पुरानी मूर्ति खुद प्रकट हुई सी चली सी उस तरह ही हैगी मूर्ति इन कुछ नहीं किया गया। सर मंदिर में थोड़ा डिवेल्प किया गया पहला थोड़ा मंदिर होर तरह हम इन मार्बल वगैरह लगा दे इन डिवेल्प मंदिर कर दिता है। अगों भी असी कोई सानू सुझाव होंगे असी वह मुताबिक सुझाव मुताबिक लोगों ने जो जो मंदिर का सुधार कर रहे हैं असी। सर कितनी डूंगी मूर्ति हैगी है? लगभग 8 फुट के करीब है ही 8-10 तो फुट। तो श्रद्धालु की भीड़ देख सकते हो कितनी भीड़ है कितनी रौनक लगी हुई है। हनुमान जयंती वगैरह के प्रोग्राम इतने सारे ही होंगे बड़े मतलब कि धूमधाम और रामायण का पाठ भी कराया जाता इतने और उदो पूरा प्रोग्राम करते हैं लंगर वगैरह का प्रबंध भी होंगे। सर यह मूर्ति का रंग यह है? हाँ नैचुरल जी इतने संदूर वगैरह चढ़ता उन्हें शिंगार होंगे रोज मंदिर जी पंडित जी सेवा करते हैं शिंगार होंगे सवेरे शाम दो टाइम आरती होंगी है। नमस्कार जी। इतिहास इतना किसी को पता नहीं है बहुत पुरानी मूर्ति है बस इतना पता नीचे से अपने आप ऐसे निकली हुई है अपने आप ही बनी हुई है। ये 8 फुट इतनी बड़ी मूर्ति है। हाँ जी। तो ये किस टाइम पे निकली थी? इतिहास पता नहीं पर बहुत साल पुरानी है। अंदर दर्शन करते हैं हनुमान जी की मूर्ति है पहले इधर फिर सामने सीता माँ की लक्ष्मण जी की ते राम जी की मूर्ति भी है। मंदिर नु बहुत वधिया तरह सजाया हुआ है तुसी देख सकते हो हनुमान जी की मूर्ति इहदा नैचुरल कलर है इहदे विच कोई कलर नहीं लगाया गया है इहनू कुछ पेंट वगैरह नहीं किया गया है। 8 फुट की यह मूर्ति खुद ही प्रकट हुई सी 100 साल पुरानी है। देख सकते हो तुसी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है इत्थे सारे हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ रहे ने हनुमान जी सारे दी मनोकामना पूरी करते हैं दूर दूर तो लोग इत्थे दर्शन करन आते हैं। इस दे नाल कैमरामैन अजय दे नाल मैं मधु ग्रेट पंजाब टीवी अमृतसर।